अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मशीन की सिलाई मशीन की, चाहे वो जोकी की मशीन हो, जैक की हो, ब्रादर की हो, जोजे की हो, कोई भी चाइना की मशीन हो या जापानी मशीन हो, अगर उसकी सिलाई मशीन की ये टेंशन अगर आपसे खुल गई है, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, तो अगर आपको समझ नहीं लग रही कि आपको आपने उसको कैसे तरतीब से फिट करना है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम कैसे फिट करेंगे और कौन सी चीज़ पहले लगाएंगे और किस चीज़ का क्या क्या मकसद है। तो जब भी टेंशन अगर इस तरह खुल जाए, तो उसके लिए हमने ये देखना है कि उसके अंदर सबसे पहले ये दो मेन प्लेटें होती हैं। ये होती है प्लेट जिससे धागा टाइट, ये एक इस तरह आएगी, दूसरी इस तरह आएगी, इस तरह इसकी डायरेक्शन बनेगी और इसके अंदर धागा चलेगा, तो ये धागे को टाइट करने के काम आती है। इसके लिए हमने सबसे पहले जो टेंशन होगी हमारी, उसके अंदर सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। फिर दूसरी वाली जो प्लेट होगी वो उसकी उल्टी साइड पे, ये वाली साइड अंदर करेंगे और ये वाली साइड बाहर करेंगे, इस तरह इसको भी लगा देंगे। उसके बाद हमने लगानी है ये वाली, ये प्लेट, इस प्लेट को कहते हैं, ये इसको हम आमतौर पे कट वाली प्लेट कहते हैं। इसके अंदर ये कट दिया होता है, ये कट होता है कि जो हमारी टेंशन पोस्ट है उसके अंदर एक पिन यहाँ पे दी हुई है, जो जब हम फुट उठाते हैं या लीवर से कुछ भी करते हैं तो ये हमारी जो पिन है वो आगे आ जाती है और ये हमारी जो टेंशन है उसको ही ओपन कर दिया। देखिए मैं इसको दबा के रखता हूँ, ये फुट उठाता हूँ तो ये आगे पीछे हो रही है। ये देखिए इसका काम होता है कि जब कटर चलता है तो इसको, ये धागे को रिलीव करती है और हमारा जो धागा है वो कट के मशीन के अंदर थोड़ा सा रह जाता है। उसके बाद दो, पहले हमने सादा प्लेटें लगानी है दो, एक सीधी डायरेक्शन में एक उल्टी डायरेक्शन में। उसके बाद हमने ये वाली कट वाली जो प्लेट होगी उसको लगाना है इस डायरेक्शन में। ये देखना, ये जो ऊपर वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया ये बाहर आएगा और ये वाला अंदर जाएगा, इस तरह हमें इसको प्रॉपर बिठा देना है। उसके बाद हमने स्प्रिंग लगाना है, स्प्रिंग के अंदर ये कट दिया होगा, कट इस तरह इसके अंदर बिठा देना है। बाद कट के बगैर भी स्प्रिंग आते हैं तो हम वैसे भी लगा सकते हैं। स्प्रिंग लगाने के बाद ये इसका एक आगे, ये इसका लाख ही समझ लें, ये इसको लगा देना है हमें, ये भी कट वाला होता है। उसके बाद ये एंड पे नाप आती है जिससे हम इसको दूर टाइट करते हैं। इससे हमें अपनी मर्जी के मुताबिक कितना हमें धागा टाइट चाहिए उतना हम इसको टाइट कर देते हैं। इसको लगाने के बाद हम इसके अंदर धागा डाल के हम चलाएंगे तो हमारी मशीन जो है वो प्रॉपर काम करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंशन पोस्ट की सही समझ आई होगी कि इसकी चीज़ें कैसे लगाई जाती हैं और किस चीज़ का क्या मकसद है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और चाहते हैं कि मैं रोज़ इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।